बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं शवारमा। उसके लिए कुछ ग्रोसरी आइटम्स चाहिए थी। वल हम लेने जा रहे हैं, इधर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमारे कैशियन कैरी है। तो हम पहुंच गए हैं, ये यहाँ पे वाटर प्लांट है, यहाँ से बाबा पानी लेके आते हैं और वो नजीब कैशियन कैरी है। तो शवारमा ब्रेड के अलावा हमें सारा कुछ मिल चुका है। अब बाबा डिवॉर्सन जाएंगे, वहां से शवारमा ब्रेड लेके आएंगे। अब हम घर जाके शवारमा की तैयारी करते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है और बादल भी काफी गहरे आए हुए हैं, लग रहा है आज भी बारिश होगी। देखिए वैसे भी मौसम ठंडा हो रहा है। हम बस घर के करीब पहुंच ही गए हैं, बस यहाँ से टर्न लेना और सामने घर है। शवारमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं उसकी सॉस तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैं मायनीज डाल रही हूँ, उसके बीच मैं केचप डालूंगी और दड़ी मिर्च डालूंगी और नमक डालूंगी, उनको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उसके बीच मैंने काली मिर्च डाली, दड़ी मिर्च डाली और इनको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैंने थोड़ी देर बाद इसमें टिक्का मसाला डाला, सोया सॉस, चिली सॉस, सारे सॉसेस डाले और इसको मैंने इसका वाटर ड्राई किया और फिर ये रेडी था। चिकन हमारा प्रॉपर रेडी हो गया था और ये टेस्टी चिकन बना था। अब मैं पीटा ब्रेड को गर्म कर रही हूँ। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और इसको लाइट सा मैंने गर्म कर लिया था। अब इसको मैंने बटर पेपर पे रख दिया और अब मैं इसके ऊपर अपनी सॉस लगा रही हूँ। इसके बाद मैंने बंद गोभी काटी थी वो लगाई है और फिर चिकन रखा और सैलेड ये मैंने बनाया था, टमाटर खीरे और प्याज का ये रखा और चिकन रखा और दैट्स इनफ, इट्स रेडी। जी तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते मैंने अपने सारे शवारमा तैयार कर लिए थे। और अगर आपको इसकी पैकिंग में थोड़ी सी ख़राबी नज़र आए तो प्लीज़ एक्सक्यूज़, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं। और टना दे आर रेडी और ये काफ़ी टेस्टी बने थे। यहाँ पर मैं सुबह का नाश्ता कर रही हूँ। मम्मा ने माश दाल बनाई थी जो बहुत टेस्टी थी और साथ एक ब्रेड का स्लाइस, और बाहर बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी। हल्के फुल्के गपशप में हमने अपना नाश्ता कंप्लीट किया और फिर मामू की तरफ जाने का प्रोग्राम था शाम को।
यहाँ पर मैं मामू के घर आ गई हूँ। एवं शीशे के सामने खड़ी थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग मार रही थी। और ये कलर मुझे बहुत पसंद है, लाइट कलर्स मेरे फेवरेट होते हैं, जिस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ी वीडियो बना लेते हैं। रात के खाने में मनी ने मलाई बूटी बनाई थी जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। उसके बाद जो मैं अपने छोटे कजन्स के साथ बैठी हुई थी, सारे मौज मस्ती करने लगे हुए थे। Very good. Do the inside. Two. Wow. Sorry. Three. Very good. Four. Next. Five. Good. Six. Good. Seven. Seven. Eight. Good. What do you want? हाँ सही, बहुत अच्छी। Eight के बाद Very good. आगे 11, 11, 11, 11, 12, सही है. 12. No. Sorry. Sorry. Okay. Sorry. Two. Yeah. ये वाला two लिखना है, ये वाला. ये two का साथ है. Two, two. वेरी गुड। कहाँ तक आती है? 13, 14, वेरी गुड, 15, ऐसे कर लो ना उसके पास, ऐसे करो। 16, 17, 18, वो नीचे नहीं है, 19, 19 के बाद क्या होता है? 20, अभी उसको क्या फायदा होगा? 20, क्या करना दिखाऊंगी। वेरी गुड। थोड़ी देर बाद जब मानी की फ्रेंड ने ये सुशी भेजी थी, इसका टेस्ट ठीक था और साथ इसकी सॉस थी एंड ये डिप करके खाई थी, ठीक था टेस्ट इसका, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। थोड़ी देर बाद जी हमने चाय पी और इसके साथ ये पाउंड केक था, ये मैंने घर में बनाया था। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो ये मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और जल्द ही मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।